टाइगर का होगा। और वही गाइस, इंडियन टीम इंडिया में पहुंच चुकी है वापस अपना कप लेके, और काफी वार्म वेलकम हुआ है, जहां पर विराट कोहली का रिएक्शन तो देखते बनता था। और वहीं पर रोहित शर्मा जब होटल पहुंचे तो भंगड़ा करने लग गए थे। मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको भी दिखाता हूँ। हेलो गाइस, तो गाइस जोगिंदर काफी ज्यादा भी एलविश यादव को ट्रोल करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिग बॉस हाउस में वाइल्ड कार्ड एंट्री जाना चाहते हैं। तो वहीं पर लक्ष्य और अर्चित का भी इस पे रिएक्शन आया। क्या कहा है, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। ये जाना नहीं चाहता, बता दो भाई, ये जाना नहीं चाहता। इससे ज्यादा कोई नहीं जाना चाहता। ये बेचारा पिछले 4 साल से कुछ कर रहा है भाई, ये मुझे लग रहा बुला रहे, मुझे वाइल्ड कार्ड बुला लो, प्लीज बुला लो, ताकि बता दिया भाई और उसके साथ कुछ हो जाए। तो इतना मारेंगे ना बिग बॉस वाले तेरे को, और हमारा कटारिया को इतना मारेगा। हर किसी से मरवाता रहेगा भाई। जोगिंदर भाई के पीछे मैं खड़ा हूं, नहीं जोगिंदर भाई, ठीक है, जोगिंदर भाई के पीछे मैं। अरे भाई कहां गया, भी था और वहीं गए एलविश यादव अभी लंदन गए हुए हैं, जहां पर उनके आंखों के सामने कुछ ऐसा हो गया जो मैं आपको भी दिखाता हूं छोटा सा क्लिप, आप देख के मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। भाई वारदात होगी हमारी आंखों के आगे अभी, ये देखो भाई, किसी ने तोड़ दिया शीशा, और ना वो गाड़ी चुराने वाला था, पल्ला अंदर घुसने वाला था, वो तो भाई यार आ गए बीच में, भग गया चोर, भग गया भाई उधर की साइड, भगा हम तो भगे भी नहीं उसके पीछे, मगर दूसरे देख यार, जब दूसरे का पति यूज कर लेती हूँ तो ये तो फिर भी टावल है। तो गाइस थगेश ने भी रिएक्ट करा है अरमान मलिक और उनकी वाइफ पर, जहाँ वो दो दो शादियां कर चुके हैं और एक वाइफ घर से बाहर होने के बाद काफी ज्यादा खुलासे कर रही है। क्या कहा है थगेश ने, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। तुम लोग एक दूसरे का टावल यूज कर लेते हो? एक दूसरे का टावल, मियां बीवी हैं क्यों नहीं कर लेंगे यार, जब दूसरे का पति यूज कर लेती हूँ तो ये तो फिर भी टावल है। रियली उसने ये बोला, ये AI नहीं है भाई। मेरे को पायल के लिए बुरा लगता है, बिचारी के लिए कभी कभी। ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम में क्या टैलेंट है तुम। और वहीं गाइस पुनीत सुपरस्टार ने तो क्लियरली बोल दिया है कि राउंड टू हेल कुछ नहीं हंसाते हैं, वो केवल फालतू ही कॉमेडी करते हैं। और क्या कहा है उन्होंने, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। राउंड टू हेल वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों को ये बोल रहे हैं कि इनमें टैलेंट नहीं है, तो राउंड टू हेल वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम में क्या टैलेंट है, तुम में क्या टैलेंट है, तुम्हें कॉमेडी नहीं आती, लोगों को हंसाना नहीं आता, लोगों को एंटरटेन करना नहीं आता, तुम लोगों में क्या टैलेंट है मैं ये पूछना चाहता हूं। तो गाइस कैरी मिनाटी को एक और यूट्यूबर ने क्रॉस कर दिया है, जहां वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपलोड की वही चीज और उसी के कैप्शन में भी लिखे कि अब काफी ज्यादा हिट मिलने वाला है मुझे।